हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं महेश राय स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में। आज हम रीता गांगुली जी का जीवन परिचय और संगीत में उनका क्या क्या योगदान रहा इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। रीता गांगुली का जो जन्म हुआ था 1940 में लखनऊ में हुआ। भारतीय शास्त्रीय संगीत गायिका है ये। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका सिद्धेश्वरी देवी और बेगम अख्तार इनके गुरु हैं। कौन कौन है इनके जो गुरु हैं, वो है सिद्धेश्वरी देवी और बेगम अख्तार इनके गुरु हैं। रीता गांगुली को उनके योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा 2003 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। इन दिनों वे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में माइम का हुनर सिखाने के साथ ही साथ आजकल गरीब बच्चों को भी शास्त्रीय संगीत का शिक्षा देने में जुड़ी हुई है। परिचय। रीता गांगुली का जन्म 1940 में लखनऊ में ब्राह्मण घराने में हुआ था। उनके पिता एल गांगुली और माता मीना है। रीता गांगुली का सुर से रिश्ता तो तभी जुड़ गया था जब बचपन में उनकी माँ लोरी सुनाया करती थी। उनके यहाँ किसी ने कभी भी गाना नहीं गाया था और ब्राह्मण घराने में पैदा होने के कारण घर के अलावा बाहर गाना गाने पर पाबंदी थी। हालांकि उनके पिता गाने सुनने के शौकीन थे। रीता गांगुली के यहाँ बचपन में रसूलन बाई आती थी जो उनके पिता को भाई मानती थी और इस तरह उन्हें बचपन में ही बहुतों को सुनने का मौका मिला। रीता गांगुली का विवाह केशव कोठारी से हुआ। इनके एक पुत्र और एक पुत्री है। संगीत की शिक्षा इनकी। रीता गांगुली सिद्धेश्वरी देवी की पहली शिष्य थी। बेगम अख्तार से उनकी मुलाकात लखनऊ में एक कार्यक्रम के दौरान हुई जहां वे उन्हें पसंद आ गई। कार्यक्रम खत्म होने पर बेगम अख्तार ने सिद्धेश्वरी देवी से कहा, मुझे तुमसे कुछ चाहिए। सिद्धेश्वरी देवी ने कहा, जिंदगी भर मांगती आई हो, कभी किसी को कुछ दिया भी है? बेगम अख्तार ने अपनी खूबसूरत मुस्कुराहट के साथ कहा, यह तो अपनी 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 किस्मत है। मैं मांगती हूँ, मुझे मिल जाता है, और तुम हो कि मांगना ही नहीं जानती। वह बहुत ऐतिहासिक दिन था। तकरीबन 30 साल बाद दोनों कलाकार रूबरू हुए थे। इस तरह बेगम ने उन्हें सिद्धेश्वरी देवी से मांग लिया और वह उनकी शिष्य बन गई। फिल्मों के लिए गाना, उन्होंने फिल्मों के लिए भी गाना गाया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। रीता गांगुली को फिल्मी दुनिया में जाने की ख्वाहिश कभी नहीं रही। उन्हें लगता है कि आज भी वह किसी मुकाम पर नहीं पहुंची हैं। यह महज इत्तेफाक है कि उन्होंने जगमोहन मुदड़ा की जी की फिल्म बवंडर में केसरिया, ये रहा बवंडर लिखा हुआ, ये बवंडर बवंडर में केसरिया बालम गाया। हालांकि राज कपूर ने फिल्म हीना के लिए भी गाने को कहा था, लेकिन वह हां ना कर सकी। परिणीता में उन्हें इसलिए गाना पड़ा क्योंकि शरत चंद्र और प्रदीप सरकार भी वो भक्त हैं और प्रदीप सरकार आज भी सत्यजीत राय हैं। रीता गांगुली के अनुसार शंभू महाराज जी लोगों को नाच कर रुलाते थे। सिद्धेश्वरी जी के क्या कहने। बेगम अख्तार उस समय से आज भी जिंदा है। आजकल रीता गांगुली कुछ ऐसे गरीब बच्चों को संगीत सिखा रही हैं जिनके पास किसी भी उस्ताद के पास जाकर सीखने के साधन नहीं है। एक कोशिश है कि बच्चों को सीख कर खुशी मिल रही है और मुझे उन्हें सिखाकर मजा आ रहा है। तो ये था इनका जीवन परिचय। मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए और हमारे इंस्टाग्राम से मिलिए। और इंस्टाग्राम का जो नाम है ऑल म्यूजिक एग्जाम के नाम से है। आप इंस्टाग्राम पे जाओगे, ऑल म्यूजिक एग्जाम लिख दोगे, जैसे लिखोगे वो आ जाएगा। अब वहां पे आप जुड़ जाइए, जो भी पीडीएफ होगा, जो भी क्वेश्चन आंसर होगा, जो भी चीजें होंगी वहां पे प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। जो भी जो वैकेंसीज आती हैं म्यूजिक की, सारी वहां पे प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। मुझे
मुझे लगता है आपको अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू एवरीवन आज के लिए।